विश्व विख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली आज भी प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। पौराणिक तपोस्थली महर्षि दधीच के नाम से जानी जाती है। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। हजारों की संख्या में जहां कांवड़िया देव देवेश्वर धाम नैमिष को जाते हैं, वहीं दधीच कुंड पर स्थित शिवालयों में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। महर्षि दधीच कुंड पर स्थित उत्तरेश्वर महादेव व दक्षिणेश्वर महादेव स्थित हैं। महर्षि दधीच तीर्थ की सफाई व्यवस्था व जल निकास प्रकाश की व्यवस्था आदि सुदृढ़ कराए जाने का आश्वासन जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह ने निरीक्षण के दौरान दिया था, लेकिन उपेक्षा का दंश झेल रहा मिश्रिक दधीच तीर्थ पर कोई भी व्यवस्थाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। जबकि जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा एक सप्ताह के अंदर जल निकासी प्रकाश व्यवस्था सफाई व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने तीर्थ का निरीक्षण भी किया था, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधाएँ बहाल नहीं हो पा रही हैं। डीएम साहब यहाँ पे आए थे, आश्वासन दिया था कि इसकी जल निकासी की व्यवस्था हो, मछलियों को मरने से राहत मिले, लेकिन 2 महीना हो गए ना कोई पानी की निकलने की व्यवस्था है। आए दिन मछलियाँ भी मरती हैं और बहुत दुर्गंध आती है। ना नगर पालिका से कोई व्यवस्था है, और अधिकारी आते हैं वो बस नाप जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई आश्वासन होता नहीं। यहाँ पे अभी 2 महीने से आए थे डीएम साहब, देख रेख निरीक्षण किया था, यहाँ पे कोई काम नहीं है, कुछ अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ये लाइट जो है, लाइट चारों तरफ लगी हुई, लाइट भी नहीं जलती है, पानी की व्यवस्था कोई निकास की है नहीं, तो मछलियाँ बहुत मर रही हैं। और बाकी डीएम साहब आके जाते आते जाते रहते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, मगर कोई व्यवस्था नहीं होती। क्या नाम है आपका? राम सागर।